मशीन लर्निंग भी अलग चीज हो जाएगी, वो भी अलग। तो एडेप्टिव एआई में हमने दो चीजें पढ़ी है, एक तो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, एक हमारा अब आ रहा है जेनेटिक एल्गोरिथम। तो न्यूरल नेटवर्क एडेप्टिव क्यों था, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क को ना कुछ भी रूल बेस्ड नहीं था और न्यूरल नेटवर्क के पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी बिकॉज ऑफ द लेयर्स। तो उसके कारण वो किसी भी इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को, चाहे वो कैसी भी मैपिंग हो, चाहे वो इमेज टू टेक्स्ट मैपिंग भी हो, वीडियो टू टेक्स्ट मैपिंग भी हो, वीडियो टू सम क्लासिफिकेशन मैपिंग भी हो, किसी भी टाइप को मैपिंग को सीख सकता है, क्योंकि उसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ लेयर्स हैं, लेयर्स में डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं। तो उसके कारण वो काफी अडेप्टिव है कंपेरेटिव टू जो हमने पहले मॉडल्स पढ़े, जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च वगैरह पढ़ा, और उसके अलावा जो हमने ह्यूरिस्टिक सर्च पढ़ा, ह्यूरिस्टिक सर्च में हमारा हिल क्लाइंबिंग वगैरह था, वो इतना अडेप्टिव नहीं है, वो कंपेरेटिवली प्रॉब्लम स्पेसिफिक है। मतलब है तो ये भी प्रॉब्लम स्पेसिफिक, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क जिस पर ट्रेन होगा प्रॉब्लम स्पेसिफिक, बट उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है रीजन वाइज। तो यहाँ पे हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी। तो जेनेटिक एल्गोरिथम भी अब दूसरे टाइप की हमारे पास वो है जो एडेप्टिव है। ML में ये डिफरेंस था कि इसको हम डेटा देते थे, ML को डेटा नहीं देते थे। ML को भी डाटा देते हैं हम लोग, ML को भी इनपुट आउटपुट देते हैं, बट ML में क्या होता है, ML और लेयर्स में क्या फर्क है कि ML में हमारी सिर्फ एक लेयर होती है, अगर वैसा होगा तो, नहीं तो उसके अलावा काफी मशीन लर्निंग में एक लेयर भी नहीं होती, उसमें बस लीनियर रिग्रेशन वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि जैसे उसका एक एग्जांपल हो जाएगा कि मान ले ये एक पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट्स है, और इसको मैंने ए टैग के पॉइंट्स बोला, इसे बी टैग के पॉइंट्स बोला, और मशीन को सीखना है इन दोनों पॉइंट्स को क्लासिफाई करना। तो मशीन को फाइनली ये सीखना है कि उसे एक लाइन बनानी है इन दोनों के बीच में। तो ये मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है, काफी कम फ्लेक्सिबल है, तो समझ रहा है ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे प्लॉट पे नहीं आ पाएंगी। और अगर तू इसे हाइपर डायमेंशनैलिटी पे भी ले जाएगा तो तुझे एक हाइपर प्लेन ढूंढना पड़ेगा, बट क्या होगा, प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि उतनी हाई कॉम्प्लेक्सिटी में जाके भी तू हाइपर प्लेन से उसे क्लासिफाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में तुझे डीप न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह चीज होते हैं। और जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है, जेनेटिक एल्गोरिथम भी एक अडेप्टिव नेटवर्क है, अडेप्टिव एआई है, और इसका लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशनरी बेस्ड, अपना आउटपुट से सीखता है, अपने आउटपुट से सीखता है, कैसे सीखता है वो देखते हैं। तो एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम है, और तो मतलब जितनी देर तक ट्रेन होती रहेगी उतनी बेटर होती रहेगी। और है ह्यूरिस्टिक सर्च, ये एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है इसका भी, ह्यूरिस्टिक फंक्शन एडेप्टिव ह्यूरिस्टिक बोल सकते हैं इसको, एडेप्टिव ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड। अब इसमें वर्क कैसे करता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हमें पॉपुलेशन का पूल बनाना होता है। तो हमारे पास एक पूल ऑफ पॉपुलेशन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं इसको एक अच्छी चीज एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो इसको क्लियरली वैसे समझते हैं, एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक तरीके से समझते हैं। एक प्रॉब्लम है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, ये हमारा कुछ रिजल्ट है, मान लीजिए हमारा प्रॉफिट है ना। अब ए की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू, डी ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और जो एक्स वाई जेड है ये हमारे वेरिएबल्स हैं, पर इनके ऊपर हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं बाहर, वो कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, वो अपने को छोड़ो कुछ है, एक्स वाई की हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, इसी स्पेस में से हम एक्स वाई उठा सकते हैं, ये एक्स की स्पेस हो गई, ये वाई की कुछ स्पेस हो गई, सैंपल सेट हो गया, ये जेड की स्पेस हो गई, इन्हीं में से उठा सकते हैं। तो अब हमें अगर रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी कि भाई यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट वाला उठाओ, तो हम कैसे करेंगे, हम एक्स वाई जेड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे, और अगर सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें तो एक ना एक हमें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जो बेस्ट होगा, और वहां से हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरीके से हो गया, अगर मैं इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट से सर्च कर रहा होता, मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए, सारी पीएनसी ट्राई कर ली बस। बट जेनेटिक में मैं क्या करूंगा कि पहले एक रैंडम पूल बनाऊंगा एक्स वाई जेड का, एक छोटा सा मान ले 20 कॉम्बिनेशन का, एक्स वाई जेड के 20 कॉम्बिनेशन का मैंने एक पूल बना लिया, यहाँ पे उसके 20 कॉम्बिनेशन है एक्स कोमा वाई कोमा जेड के, और मैंने क्या करा, इसके बेसिस में मेरा फंक्शन तो डिफाइंड ही है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसे मुझे मैक्सिमाइज करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना है, ये मेरा वो पूल है। अब मैं क्या करूंगा, इस पूल में से हर एक वैल्यू को फिटनेस फंक्शन में डालूंगा और इवेल्युएट करूंगा। तो मेरे पास हर एक कॉम्बिनेशन के लिए, अगर हर एक कॉम्बिनेशन का एक यूनिक नेम होता तो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए एक स्कोर आ जाएगा कि उसका प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है। मेरा टारगेट है इसको मैक्सिमाइज करना, काफी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करना भी हो सकता है, वो ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया मेरा फिटनेस फंक्शन।
ठीक है। तो अब मैं जब सबसे पहले एक बनानी होती है पॉपुलेशन, फिर उस पॉपुलेशन को मैं पास करता हूँ फिटनेस फंक्शन पे इवेल्युएशन के लिए उस। तो अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं ना, इसको ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में समझना है एवोल्यूशन, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी जो डिफाइन है ना वो एवोल्यूशन को दिमाग में रखते हुए डिफाइन करी गई है। तो फिटनेस फंक्शन क्यों डिफाइन करा, क्योंकि जीन की फिटनेस देखना चाह रहे हैं हम, कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट वही नेचुरल सिलेक्शन वाली बात है। तो यहाँ से हमने इवेल्युएट करा, फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यूएशन स्कोर के बेसिस पे हम इनमें से कुछ जीन्स को सिलेक्ट करेंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, फिर उन जीन्स को हम लोग क्रॉस ओवर करेंगे, मतलब आपस में ब्रीड करेंगे, है ना, ठीक है। उस क्रॉस ओवर के बाद फिर हम क्या करेंगे, रैंडमनेस इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, क्योंकि जब नेचुरल सिलेक्शन होती है तो ऐसा नहीं होता कि दो जीन्स मिक्स होकर फिक्स दिया है कि यही जीन प्रोड्यूस होगा, उस जीन में थोड़ी रैंडमनेस भी होती है, तो उसको कंप्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं म्यूटेशन। और ये जो आ गए इसको हम दोबारा ऐड कर देंगे अपने प्रीवियस पूल में, है ना, यहां से ऑफस्प्रिंग्स जनरेट हो गए हमारे पास। अब इन ऑफस्प्रिंग्स को हमने दोबारा कर दिया, फिर ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एक कंडीशन होगी उसके ऊपर जो है हमारी टर्मिनेशन कंडीशन, कि अगर इतने से ज्यादा प्रॉफिट आ गया या फिर इतने इटरेशंस हो गई, या तो हम वो इटरेशन दे सकते हैं कि 1000 इटरेशंस हो गई, या फिर प्रॉफिट एकदम, मान ले प्रॉफिट इससे ज्यादा होल्ड नहीं सकता था क्वेश्चन के अंदर, तो हमने वो दे दिया कि या तो प्रॉफिट 1000 हो जाए या फिर इटरेशंस इतनी हो जाए, तो यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन है, तो वो होके वहां पे वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक ऐसे दिखती है कोई भी जेनेटिक एल्गोरिथम। तो इसका अगर हम फ्लो चार्ट प्रॉपर्ली बनाना चाहें, छोटा सा साइड में बना के रख लेते हैं, तो वो ऐसे बनेगा, सबसे पहले स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन, फिर यहां से हमारा कन्वर्जेंस, ये हमारा वही टर्मिनेशन टेस्ट है या नहीं, अगर कर चुकी है तो फिर यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा और रिजल्ट रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे स्टॉप, अगर नहीं करी है तो फिर यहाँ पे हम लोग वही सिलेक्शन करेंगे। पहले सिलेक्शन के अंदर क्या क्या करना होता है, पहले फिटनेस फंक्शन, और फिर यहाँ से एक सिलेक्शन मेथड यूज करेंगे, सेलेक्ट पेरेंट्स, फिर यहाँ से क्रॉस ओवर, फिर यहाँ से म्यूटेशन, और फिर इस चीज को दोबारा इनिशियल पॉपुलेशन को भेज देंगे। ये सेम चीज है, ये वही सेम चीज बनाई है मैंने, स्टार्ट से हम इनिशियल पॉपुलेशन, उसके बाद आ रहा है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होगा, वो टर्मिनेशन टेस्ट है ना, वो दे रखा है कि अगर प्रॉफिट इतनी ज्यादा नहीं होगा तो ये खत्म हो जाएगा। हाँ, वो हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ इपॉक्स भी हो सकता है, कि अगर ये म्यूटेशन वाला स्टेप 1000 बार हो गया तो अब रोक दे, तो हमारे ऊपर है कम्प्लीटली। और ये हमारा रिप्रोडक्शन फेज हो गया, जो हमारा जीए का मेन पार्ट है, फिटनेस फंक्शन हो रही है हमारी इवोल्यूशन, जिसे हम अच्छे बच्चों के पेरेंट्स छाट रहे हैं। हाँ, फिर पेरेंट्स का क्रॉस ओवर, मतलब मुझे इवोल्यूशन में समझ आ रहा है क्रॉस ओवर, लेकिन इसमें कैसे करेंगे वो आएगा अभी, परफॉर्म कैसे करना है वही हमारा। तो ये सिंपल हो गया है क्या, और उसके बाद कुछ वो आ जाते हैं डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस समझ आ रहे हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक रूल्स हैं कंपैरेटिवली, वो जो हमारे रूल बेस्ड मेथड्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, ये कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल है। उसके अलावा इसमें वही है कि जो क्रॉस ओवर है या फिर जो ये पूरा मेथड है जेनेटिक एल्गोरिथम्स का, ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे हमने बचपन में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स करी हैं, उसको सॉल्व करने के लिए तो बढ़िया होता ही है, बट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो कि हाथ से करना बहुत डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली, वो इससे सॉल्व करना ईजी होता है, वो कंप्यूटेशनली भी एक्सपेंसिव होती है, बट जीए का यही मेथड, हम सेम मेथड नॉन लीनियर उसमें भी लगा सकते हैं, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी। तो फिर ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, और फिर उसके बाद हमारी ये वाली चीज़ आ जाती है कि ये कन्वर्जन चेंस कैसे कैसे हो सकता है। तो कन्वर्जन टेस्ट जैसे मैं बता रहा था, एक तो वही है कि हम लोग खुद से चेक करते रहे, मतलब ये तो बकवास ही है वैसे, कि एक इन्होंने अप्रोच दे रखी है कन्वर्जेंस के लिए कि हम खुद से देखते रहे कि कितना प्रॉफिट आ गया, और अगर हमें सेटिस्फाइंग प्रॉफिट दिख जाए स्क्रीन पे तो हम वहीं पे खुद से स्टॉप बटन दबा दें कि हाँ अब हो गया। एक है कि भाई हम उसमें लगा दें कि अगर एक सॉल्यूशन है जो एक सेट क्राइटेरिया को जो हमने सेट कर ला उसे सेटिस्फाई करता है तो दे दें। एक है कि नंबर ऑफ इटरेशंस नंबर ऑफ जनरेशंस को फिक्स कर दें। एक है कि कंप्यूटेशनल बजट को सेट कर दें कि इससे ज़्यादा रिसोर्सेज जब वो लेने लग जाए तब रोक दो। तो ऐसे ऐसे मेथड दे रखे हैं,
बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आता है कि फिटनेस एवेल्यूएशन कैसे होती है। तो फिटनेस एवेल्यूएशन हमारी ये एक फंक्शन होता है और ये भी प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, हर प्रॉब्लम के हिसाब से बनेगा। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें हमें मिनिमाइज करना पड़ सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसमें हमें मैक्सिमाइज करना हो सकता है, तो ये उसके हिसाब से बनता है, इसका भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं क्रॉस ओवर मेथड्स क्या क्या है। तो क्रॉस ओवर के जो हमारे मेथड्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो क्रॉस ओवर जो है सबसे पहला होता है सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर। सिंगल पॉइंट में क्या होता है, जैसे हमारे दो पेरेंट्स हैं, अभी के लिए हम बाइनरी एनकोडेड जीए ले रहे हैं, मतलब सिर्फ 0-1 में डाटा होगा। तो इसमें चार का ही लेते हैं, थ्री का कर लेते हैं। तो 101101 वन पेरेंट टू है, 0001111 ना, इन दोनों को अपने को वो करना है, क्रॉस ओवर करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर में हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एक इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे दोनों का, और उस उस इंडेक्स के एक हाफ को ओवर कर देंगे, रिप्लेस कर लेंगे दोनों में। तो इससे दो स्प्रिंग जनरेट होंगे, P1 P2 है, तो इससे दो जनरेट हो जाएंगे। इन दोनों को उल्टा करने के बाद वो लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे करके दो स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगे, जो इस हाफ को ऊपर लेगा, इस हाफ को नीचे, तो ये हो गया सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर। उसके बाद हमारा होता है एक होता है डबल पॉइंट क्रॉस ओवर। डबल पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट सेलेक्ट करा था, अगर ये अगर ये डबल पॉइंट होता तो डबल पॉइंट में क्या होता है कि एक पॉइंट की जगह दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और जो इन दोनों का मिडल पार्ट होता है इनको आपस में करते हैं, तो ये हो गया डबल पॉइंट क्रॉस ओवर। उसके बाद अगर मल्टी पॉइंट क्रॉस ओवर होता तो मल्टी पॉइंट में क्या करते हैं कि एक दो से ज्यादा पॉइंट सेलेक्टेड है, मतलब तो ये मान लो तीन होते, तो मल्टी पॉइंट पे ऑल्टरनेट को करते हैं। तो मान लो इसको नहीं करा तो इस वाले को करेंगे, फिर इस वाले को नहीं करेंगे, फिर इस वाले को करेंगे, तो ऑल्टरनेट को क्रॉस करना है, फिर हो गया ये वाला। और उसके बाद एक लास्ट होता है यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर। यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर सबसे अलग है। यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर में क्या होता है कि हम यूज करते हैं एक क्रॉस ओवर मास, ठीक है, मतलब एक अलग से क्या करते हैं कि दो पेरेंट्स बनाते हैं दोबारा, या फिर पेरेंट्स यही है हमारे, ऑफस्प्रिंग जनरेट करने हैं, तो इसके लिए हम इन दोनों के बीच में एक मैट्रिक एक और वो बनाते हैं जो रैंडमली जनरेटेड होती है, जैसे 101001, है ना। अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाले की है, ऊपर वाले में से हम अगर यहाँ पे यस है तो हम ये वाली चीज ऊपर वाले की सेलेक्ट कर लेंगे, अगर यहाँ पे वन है तो मतलब हम ऊपर वाले की ये वाली चीज सेलेक्ट करेंगे, और अगर जीरो है तो ऊपर वाले की ये चीज नहीं सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो मतलब उसके हिसाब से सिलेक्शन चलेगा। हम चाहते हैं वन 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 है, नहीं 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 सकते ना, क्योंकि वन को चूज कर रहे हैं, वन नहीं, अगर नीचे वाले में से सेलेक्ट करेंगे ना, फिर मतलब ये चीज डिसाइड कर रहा है कि ऊपर वाले में से सेलेक्ट करेगा या नीचे वाले में से। तो मान लीजिए P1 का है, तो मतलब ये सेलेक्ट करेगा अगर 1 है इसमें, तो मतलब P1 में से हमें इस वाले इंडेक्स की वैल्यू को सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे 1 है और ऊपर 0 होता, ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही, बट मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 होता, तो हम 0 को सेलेक्ट करते, क्योंकि इसका ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है इन दोनों को आपस में, ये बस ये कह रहा है कि अगर यहाँ इस पोजीशन पे 1 है, 1 का मतलब है हमें P1 में से इस वाले इंडेक्स को उठाना है, 0 का मतलब है मुझे P2 में से ये वाले इंडेक्स को उठाना है, ठीक है। तो अगर मैं और की तरफ ट्रीट नहीं कर सकता, हाँ, तो अगर मैं एक ऑफस्प्रिंग जनरेट करूंगा तो वह ऐसा बनेगा कि ये वाला हमें P1 में से उठाना है, ये वाला P2 में से, तो 0 है, ये वाला दोबारा 1 में से उठाना है, 1 ही है, उसके बाद ये वाला उठाना है नीचे वाले में से, तो 1 है, ये वाला भी नीचे वाले में से उठाना है 1 है, ये वाला ऊपर वाले में से उठाना है 1 है, तो ये बन गया एक ऑफस्प्रिंग, है ना। फिर अगर ऑफस्प्रिंग 2 जनरेट करना होगा, ये वाला नीचे वाले से उठाना है, क्योंकि ऊपर 0 है ना, अच्छा हम इसको नहीं देख रहे, तो ये हो गया।
अगर ऑफस्प्रिंग 2 जनरेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मैप मास फंक्शन है तरीके से जो डिसाइड कर रहा है किसमें से बटाना है, इसका इनवर्स जो होगा उसमें से ऑफस्प्रिंग 2 जनरेट हो जाएगा। तो अगर मैं इसका इनवर्स बनाऊंगा कि इसका इनवर्स बनेगा 010110, इसका इनवर्स हो गया तो अब इसके हिसाब से ये वाला ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो इसमें तो अब ये इसमें से उठाना है तो ये जीरो हो गया, फिर ये ऊपर वाले में से उठाना है जीरो हो गया, ये नीचे वाले में से उठाना है जीरो हो गया, ये ऊपर वाले में से उठाना है वन हो गया, और ये भी ऊपर वाले में से उठाना है जीरो हो गया, ये नीचे वाले में से उठाना है वन हो गया। तो ऐसे करके दो स्प्रिंग बन गए और ये होता है यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। इसमें हमें कंपैरेटिवली एडवांटेज ये मिलती है कि मैं क्रॉसओवर का एक तरीके से रेट थोड़ा डिफाइन कर सकता हूँ 0 1 से कितने हैं, बाकी तो रैंडमली जनरेटेड होता है ये भी, क्योंकि क्रॉसओवर में रैंडमनेस चेंज होती है तो ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, ये क्रॉसओवर था ओवरऑल। उसके बाद हम आते हैं वो क्या है, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कैसे कैसे हो सकती है। रैंडम ही था जितने भी दिए हुए हैं, हाँ सारी रैंडम होते हैं, क्योंकि रैंडम इसलिए है ना क्योंकि अभी क्या अभी वाला स्टेप आया नहीं है, हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं। हमने पहले चार्ट एक्सप्लेन कर दिया, बट चार्ट का अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन था, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्रॉसओवर और म्यूटेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें टाइप्स ज्यादा हैं, बट चार्ट का सबसे पहला पार्ट सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन के समय क्या होता है, जो बेस्ट पेरेंट्स होते हैं जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज शो कर रहे थे वो पहले ही सिलेक्ट होके आ जाते हैं अपने पास, उनमें हम लोग ये वाली चीज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें रैंडमनेस अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं उन्हीं की वो पता है कि वो पेरेंट सॉल्यूशन के थोड़ा पास है तो उन्हीं में ही कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके सॉल्यूशन निकल सकता है, तो इसलिए हम वहां पे रैंडमनेस चाह रहे हैं। बाकी म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन के भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है वैसे तो, और एक तो ये म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी वाला है, इसमें यही है बस, एक इंटरचेंज वाला भी होता है जैसे ये हमारे ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग है और अब इसको मेरे को म्यूटेट करना है तो मैं एक दूसरी रैंडमली जनरेटेड मैट्रिक्स होगी म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी, तो वो डिफाइन करूंगा। और इसमें क्या होगा, अगर इस 0 1 0 0 0 1 वाला ऐसा है तो दो वन है ना, दो हमारे पास वन है तो जहां पे भी वन होगा मतलब वहां पे मुझे उसकी वैल्यू को उल्टा कर देना है, तो वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, तो यहाँ पे जैसे इस पे जीरो है तो इसको मैं सेम का सेम रहने दूंगा, मतलब म्यूटेटेड ऑफस्प्रिंग बनेगा, ये नॉर्मल ऑफस्प्रिंग है जो वहां से बन के आया, अब उसको फिर मैंने म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी से पास करा फिर म्यूटेशन ऑफस्प्रिंग बनेगा। ये कैसे बनेगा कि अगर यहाँ पे जीरो है तो इसने इसको जीरो ही रहने दिया, यहाँ पे वन था तो मतलब यहाँ पे इसको इन्वर्स करना है तो इसको जीरो कर दिया, फिर ये जीरो था तो वैसे का वैसा रख लिया, जीरो था वैसे का वैसा रख लिया, जीरो था वैसे का वैसा, वन है तो इसको उल्टा कर दिया, ऐसे करके म्यूटेट हो गया। अब इस म्यूटेशन मेथड का एडवांटेज ये है कि यहाँ से मैं म्यूटेशन रेट वो कर सकता हूँ अपनी तरफ से कि इनके इंडेक्स तो मैं रैंडमाइज कर दूंगा, हर बार रैंडम इंडेक्स होंगे, बट कितने इंडेक्स को मेरे को वन करना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, तो उससे मेरा ये डिसाइड हो जाएगा कि कितनी ज्यादा म्यूटेशन मुझे क्रिएट करनी है, तो म्यूटेशन रेट मेरे कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा एक और मेथड ये होता है कि हम इनमें से दो इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली, दो इंडेक्स को, और उनको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो वो भी एक म्यूटेशन मेथड होता है, इसमें हमने वो कर दिया। और तो बस ये वाली चीज हो गई, ये म्यूटेशन हो गया, दो टाइप्स हो गए इसकी भी। और उसके बाद लास्ट चीज आती है सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो वो तो देख ही लिया था फिटनेस फंक्शन के बेसिस पे, बट फिटनेस फंक्शन अगर हमारे पास आ गया, अब सबका हमारे पास वैल्यू आ गई, इसकी फिटनेस इतनी है, इसकी इतनी इतनी इस पे, तो फिर आप उसके बेसिस पे कैसे करेंगे, तो इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सिलेक्शन मेथड
एक पहले एग्जांपल डिफाइन करते हैं। तो मान लो जो यही वाला हमारा एग्जांपल था, इसमें हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन का नाम ए दिया, एक का नाम बी दिया, ये एक्स वाई जेड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। इसके कारण प्रॉफिट आया 50, इसके कारण आया 20, इसके कारण आया 10, इसके कारण आया 25, ठीक है। तो ये आ गए मेरे पास। अब सबसे पहला मेथड है इनमें से सेलेक्ट करने का, एक है टूर्नामेंट सिलेक्शन। टूर्नामेंट सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि इनमें से एक क्या करेंगे, मान लो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ 400 करे हैं, बट मान लो ऐसा कुछ होता है कि ऐसे 100 हमारे पास फंक्शंस होते हैं, 100 हमारे पास डिफरेंट पेयर्स होते हैं ना, इनमें से मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 10-10 का टूर्नामेंट करवाऊंगा। उस टूर्नामेंट में क्या होगा, जैसे इन 100 में से मेरे को 10 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। इन 100 में से मैं 10 बेस्ट पेरेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, 10 बेस्ट को सिलेक्ट करके ना उनमें से 2 रैंडम चुनूंगा, या फिर उन 10 की आपस में रैंडमली वो करवाऊंगा और उसके कारण 10 ऑफस्प्रिंग्स बनाऊंगा और उसको पॉपुलेशन में ऐड करूंगा। मुझे ऐसे करनी है जेनेटिक एल्गोरिथम, जरूरी नहीं है कि ना इसके सिर्फ 2 के पेयर बनाए। हम ये चाहेंगे कि जो बेस्ट वाले हैं उनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, तो उनके रैंडम के सबके जीन्स बने और वो ऊपर जाए। तो इसलिए मैंने 100 में से 10 बेस्ट सेलेक्ट करे, उन 10 की आपस में रैंडमली वो करवाई तो उसके कारण 10 ऑफस्प्रिंग बने और फिर उन 10 ऑफस्प्रिंग्स को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, है ना। तो अब क्या होगा, ये 10 सेलेक्ट करने के लिए, 10 बेस्ट सेलेक्ट करने के लिए 100 में से मैं क्या करूंगा कि मैं 10-10 को रैंडमली सेलेक्ट करूंगा। इन 100 में से 10 को रैंडमली सेलेक्ट करा, इनका आपस में वो करवाया टूर्नामेंट जैसा होता है क्लासिक स्टाइल में, कि इन दोनों में से एक जीता, 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 फिर इनमें से एक जीता, फिर ऐसे ऐसे करके फाइनल विनर आ गया। ऐसा करके जब मैं 10 बार ऐसे रैंडम मैचेस करवाऊंगा तो मेरे पास 10 विनर्स आ जाएंगे। उन 10 विनर्स को मैं ऐसे करके कर लूंगा। तो ये हो गया मेरा टूर्नामेंट सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और मेथड क्या होता है, एक और मेथड हमारे पास होता है रोलेट व्हील सिलेक्शन। तो रोलेट व्हील सिलेक्शन क्या है, रोलेट व्हील सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वो वाला व्हील होता है ना घूमने वाला, हाँ जैसे, हाँ तो जैसे गेम्स वगैरह में होता है, तो इसमें क्या होता है जब हम वैसे खेलते हैं तो हर एक चीज इक्वली डिवाइडेड होती है ना, बट इसमें हम क्या करते हैं रैंडमाइजेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए, बट स्टिल हम चाहेंगे कि जो बेस्ट स्कोर वाला पेरेंट है वो सबसे ज्यादा बार सेलेक्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 70-80 उसको काम करते हैं, तो 30 ले लेते हैं, 90 वैसे ही समझ लिया मुझे। ABCD तो हमारे कॉन्स्टेंट्स है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के लिए एक प्रॉफिट निकाल रहे हैं। हाँ नहीं, ABCD, ये ABCD XYZ का कॉम्बिनेशन है, इसको जब मैंने यहाँ डाला तो उनसे ये प्रॉफिट निकल गया है। ये अच्छा 50-30-5 ये प्रॉफिट है। हाँ, ABCD की वैल्यू नहीं है, नहीं ABCD XYZ का कोई कॉम्बिनेशन है जिससे ये प्रॉफिट आ रहा है, तो स्मॉल में कैपिटल है, ठीक है। अब क्या हुआ, हम क्या करते हैं इसमें कि अब ये है जैसे 50, तो हम क्या करेंगे इसका जब हमें एरिया डिवीजन करना है, हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम जो बेस्ट स्ट्रेंथ वाला पेरेंट है एक तरीके से वो सबसे ज्यादा बार सेलेक्ट हो, जिसकी फिटनेस सबसे ज्यादा है, तो इसका जो सबसे हम इनका जो रेशियो है इसके प्रोपोर्शन में यहाँ पे एरिया डिवाइड करते हैं। तो जैसे ये 50% है, ये 30% है, 5% है, 15% है, तो मैं एरिया डिवीजन इसी के हिसाब से कर दूंगा। ये पूरा एरिया ए का होगा, फिर उसके बाद बी का 30% एरिया होगा, सी का 20% एरिया होगा, डी का 5% हो गया, ये डी का हो गया, ये हो गया हमारा बी का, डी का हो गया, बी चलो बी, यस एक लाइन हटा दे पहले, तो ये सी का हो गया, डी का हो गया, एक लाइन हटा दे, हां नीचे वाले को बी देंगे, अब बी, तो ऐसे हो गया। अभी हमारा व्हील बन गया और इसमें हम क्या करेंगे, एक हमारा पॉइंट होगा डिफाइंड जैसे यहाँ पे है, फिर मैं इसको रैंडमली रोटेट कर दूंगा कितनी भी उससे, और फिर ये रुक के जहाँ रुकेगा यही अप्रोच है, मतलब उसको कंप्यूटर में इम्प्लीमेंटेशन नहीं सोचनी अपने को, बस यही है कि हम इसको फिर घुमा देते हैं और फिर जहाँ पे भी ये रुकता है उस पेरेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब सबसे ज्यादा चांसेस इसके सिलेक्ट होते हैं के होते हैं, बट हम यहाँ पे जो जैसा हमने पहले पढ़ा था ना सिमुलेटेड एनीलिंग वगैरह में, कि हम थोड़ी सी स्टोकेस्टिकनेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, वो स्टोकेस्टिकनेस इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं जिससे कम वालों को भी एक बार मिलने का चांस मिले, जिससे एक बार वो भी क्रॉस ओवर करके जाए, क्या पता उनमें कोई एक पर्टिकुलर ऐसा फीचर हो जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। जैसे 6 फीचर्स है ना, ये 6 हमारे जीन्स की तरह हैं, जैसे हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है हमारे पास
पता नहीं कितने का कॉम्बिनेशन होता है, 16 तो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं और फिर उनमें उनमें चार का कॉम्बिनेशन होता है हर एक क्रोमोसोम के अंदर। तो ये एक तरीके से ये 6 क्रोमोसोम का जीन है जिसमें सिर्फ दो प्रोटीन पॉसिबल है, एक तो 0 एक 1। तो क्या पता है कम वालों में कोई ऐसा फीचर हो जो बेनिफिशियल हो, तो एक बार वो भी वहां पे म्यूटेट करके चले जाना चाहिए। तो इसलिए कम सिलेक्शन पे इसको भी हम लोग रख देंगे। और ये हो गया एक, ये हो गया हमारा रोलेट बेस्ड सिलेक्शन मेथड। अब इसी में ये होता है रैंक बेस्ड सिलेक्शन। रैंक बेस्ड सिलेक्शन में बस क्या डिफरेंस है, रैंक बेस्ड में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने जो 50-35-15 दी थी ना, इसके कारण बहुत ज्यादा एरिया हो गया ए के पास, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होती। तो 50% एरिया ए के पास ही है, तो इसलिए इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उल्टी रैंक्स देते हैं। मतलब जो जिसका जिसका सबसे कम स्कोर है उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, जिसका उससे ज्यादा है उसको 2, इसके बाद इसको 3, इसके बाद इसको 4, है ना। रैंक्स बना रहे हैं इनकी। और फिर क्या करेंगे, अब इन रैंक का परसेंटेज निकालेंगे। इन रैंक का परसेंटेज कितना आ गया, 10 आ गया, हाँ 10। तो फिर ये हो गया 40%, ये हो गया 30%, ये हो गया 10%, ये हो गया 20%। तो अब कंपैरेटिवली नॉर्मलाइजेशन आ गई, जिसको पहले 50% मिल रहा था उसको अब 40 मिल रहा है। तो वो चीज डाटा थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया, थोड़ा सा और वो हो गया कि कम वालों को भी बेटर चांसेस मिलने लग गए। तो रैंक बेस्ड सिलेक्शन में बस ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि हम उल्टी तरीके से रैंक देते हैं, जिसको सबसे कम स्कोर होता है उसको सबसे कम रैंक मिलती है, और जिसका सबसे अच्छा स्कोर होता है उसको सबसे ज्यादा रैंक मिलती है। और उसके बेसिस पे दोबारा परसेंटेज निकालते हैं, उस परसेंटेज पे दोबारा रोलेट व्हील पे डालते हैं और फिर दोबारा रोटेट करके रैंडम सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो बस ये सिलेक्शन मेथड्स होते हैं। बस खत्म हो गया फिर जाने के लिए, हां बस ठीक है।